नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 नवंबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DLED फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट सीट 2022 की अपडेट को देखने वाले हैं और बात करेंगे यूपी टेट सीटेट सुपर टेट के हर एक बड़ी अपडेट के बारे में। DLED स्कूटनी रिजल्ट की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे और दोस्तों बात करेंगे प्रत्यावेदन फॉर्म की लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा फेल छात्रों को। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और देखिए कुछ और बड़ी अपडेट, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर विषय लिखा न वर्ग एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का मामला है। ये भी दोस्त एक बड़ी खबर है, अभी हम इस अपडेट को देखने वाले हैं। सीटेट को लेकर क्या अपडेट है, क्या है इस परीक्षा का शेड्यूल और किन बातों पर निर्भर करेगा सफलता का प्रतिशत, जानेंगे डिटेल्स में। तो एक एक करके दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबर को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको बताना चाहेंगे 12 नवंबर अंतिम डेट होगी जिस दिन दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देना है, फोर्थ का देना है। अगर आप 12 नवंबर तक आवेदन नहीं कर पाते, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तब आपको पेपर देने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा ना कि पीएनपी छात्रों के साथ धोखा क्या कर रही है। देखिए पहली बात तो काफी बच्चों की बैक लगी है सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि थर्ड सेमेस्टर का पेपर आप तभी दे सकते हैं जब आपका सेकेंड क्लियर होगा। लेकिन हो क्या गया है कि यहाँ पर अब पीएनपी बच्चों के साथ धोखा कैसे हो रहा है, समझिए इस बात को कि अब ये कहा जा रहा है कि हम चौथा मौका नहीं देंगे। ठीक है, अगर ये मौका नहीं मिलता तो सभी बच्चों का सेकेंड ईयर का जो फीस जमा है वो भी तो बेकार हो जाएगा, 41,000 रुपये बच्चों के डूब जाएंगे। ठीक है, पैसा तो रिफंड ये करने वाले हैं नहीं, तब तो ये बच्चों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा है। और सभी बच्चे देखिए पेपर कब देते हैं, अपनी एग्जामिनेशन फीस पेमेंट करके तो पेपर देने का मौका मिलता है ना। तो सीधा तो पीएनपी को यही चाहिए कि बच्चों को पेपर देने का एक मौका दे देना चाहिए। जो इनकी एग्जामिनेशन फीस का भैया पैसा है 400 रुपये, वो सभी बच्चे जमा कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है परीक्षा शुल्क है 400 रुपये मात्र। ठीक है, और आपको बता दें प्राइवेट कॉलेजों में 400 की जगह कहीं पर 600 रुपये लिए जा रहे होंगे, कहीं पर 1,000 रुपये लिए जा रहे होंगे, कहीं पर 1,500 रुपये लिए जा रहे होंगे। मतलब हर जगह लूट मची होगी। सोचिए एक तरफ तो बच्चों को लूटा भी जा रहा है, उसके बाद पेपर देने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है छात्रों के साथ। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट निकल कर आएगी, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, चाहे द्वितीय सेमेस्टर की हो चाहे चतुर्थ सेमेस्टर की हो। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट सीट ऐसी होने वाली है, द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा डेट सीट ऐसी। पेपर आपका दिसंबर महीने में होने की संभावना है। जी हाँ, उम्मीद थी पहले कि नवंबर में पेपर करा लिया जाएगा क्योंकि 12 नवंबर तक ही आवेदन होना है। अब देखिए जब 12 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपकी डिटेल्स आएगी एग्जामिनेशन सिटी, कहाँ कहाँ पर मतलब पेपर कराया जाएगा, मंडल वाला पेपर होगा कि हर एक जिले में सेंटर बनाया जाएगा, उसकी अपडेट निकल कर आएगी सामने। इसीलिए कहते हैं हर एक अपडेट पर आप लोग की नजर होनी चाहिए, काफी बार आपसे काफी खबरें छूट जाती हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके अपडेट्स को पहले देखते हैं। 69,000 भर्ती का क्या मामला है, अभी बहुत ही जल्द आप लोग भी नए शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने वाले हैं और आपको पता होगा कि 51,112 पदों पर वैकेंसी जल्द ही आ सकती है। जल्द का मतलब जब तक हमारा यूपी टेट का पेपर अब समझ लीजिए नहीं होगा, उसके पहले तो वैकेंसी आना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि टेट का पेपर कराते ही सभी बच्चे, जैसे पेपर क्लियर होता है सभी बच्चों में एक जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है कि चलो भर्ती का पेपर होना चाहिए। अभी क्या हो गया, इस समय क्या हो रहा है ना कि अब सीटेट का पेपर लगने वाला है अगले महीने से। ठीक है, दिसंबर और जनवरी में, क्योंकि इस महीने सीटेट का पेपर भी नहीं होगा, 24 नवंबर लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। ध्यान रखिए जल्द से जल्द आवेदन करिए। तो पहले इस अपडेट को देखते हैं, हुआ क्या था शिक्षक भर्ती में। 69,000 भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे में सरकार की हार हुई। लगभग 1,000 अभ्यर्थी जो एक नंबर से बाहर थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान की है। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी सुनवाई बड़ी अपडेट है, एक बार पुनः अभ्यर्थियों की हुई जीत। एक नंबर से फेल होने वाले छात्र होंगे पास, बेसिक शिक्षक परिवार उत्तर प्रदेश। उत्तर कुंजी प्रकरण में लंबे संघर्ष के उपरांत विजय प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई, एक नंबर की बढ़त के साथ मिलेगा नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर ये निकल कर आती है। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहेंगे, 6,800 सीटों पर
ठीक है, आरक्षण घोटाले में एक नई चयन सूची जारी की गई थी, अभी इन बच्चों को भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। जैसे ही इन बच्चों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, ठीक है, उसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि एक नंबर से जो बच्चे फेल हो रहे थे उन बच्चों को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भैया कितना गड़बड़ घोटाला है हर जगह। ठीक है, उसके बाद सीटेट की अपडेट को जरा देखिए। सीटेट 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर 2022 तक चलेगी। इस परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच किया जाएगा। परीक्षा में 23 लाख से अधिक उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है। सीटेट 2022 की अपडेट क्या है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया अब आखिरी दिनों में है। सीबीएसई ने सीटेट 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 31 अक्टूबर 2022 से की थी और आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास सिर्फ 12 दिन ही बचे हैं। इस परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक मतलब किया जाएगा। ठीक है, हालांकि सीबीएसई ने अभी इसकी कोई कंफर्म तिथि तय नहीं की है। सीटेट परीक्षा देने के इच्छुक उम्मीदवारों को सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी देखिए किन बातों पर निर्भर करता है सफलता का प्रतिशत। इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे, लेकिन आपको अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल इस परीक्षा में अभ्यर्थियों के बीच आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है और 60% से ऊपर स्कोर करने वाले सभी अभ्यर्थी सफल माने जाते हैं और उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सीटेट में अभ्यर्थियों को सफलता का प्रतिशत इसमें हिस्सा लेने जा रहे अभ्यर्थियों के ज्ञान के स्तर और प्रश्नों के लेवल के ऊपर निर्भर करता है। इसकी कट ऑफ क्या है, इसका शेड्यूल, ठीक है, देखिए जरा समझिए। सीटेट का आयोजन दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच किया जाएगा। और देखिए एक बार जरा समझ लीजिए, पास होने के लिए नंबर, अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको पास होने के लिए यहाँ पर 90 नंबर, आरक्षित वर्ग में 200 जो पासिंग मार्क अभी तक माना जाता था ओबीसी एससी एसटी, या फिजिकल हैंडी कैटेगरी के छात्र हैं आप तो आपको पास होने के लिए 82 नंबर। ठीक है, तो एक बात बता दें, अगर आप चाहते हैं शिक्षक भर्ती में आपको मौका मिले तो भैया सीटेट पास करना आपके लिए बेहद जरूरी है। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती से पहले अध्याचन की गड़बड़ी दूर की जा रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सही अध्याचन भेजने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो सूचना मिली है उसमें कई पदों का विषय और वर्ग नहीं लिखा है। उप शिक्षा निदेशक विज्ञान दिनेश सिंह ने 40 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुधवार को जिला, ठीक है, शिक्षा निदेशालय में उपस्थित होकर गड़बड़ी गड़बड़ी दूर करने के निर्देश दिए थे। तो हर जगह कुछ ना कुछ दोस्तों दिक्कतें आती हैं। बस एक बात आपको समझ लेना है कि अगर आपको चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब फेल छात्रों को मौका मिलेगा कि नहीं दोस्तों, ये डिपेंड करेगा संघर्ष पर। 69,000 शिक्षक भर्ती का एग्जाम्पल अभी हमने आपके सामने क्यों रखा है, क्योंकि दोस्तों सोचिए, ये वैकेंसी 2018 में शुरू हुई थी, आज 2022 के अंत तक भी बच्चे संघर्ष कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से इन बच्चों को जीत मिली है। 4 साल के बाद भी बच्चे संघर्ष किया और जीत रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चों की बैक लगी है फेल है, ठीक है, प्रत्यावेदन ये तो पहले एससीईआरटी बुलाकर कराया जाता है बच्चों का, और उसके बाद अब एग्जामिनेशन फॉर्म जब भरा जा रहा है तो उन बच्चों का नाम नहीं शो कर रहा है। एक तो मतलब बच्चों को परेशान किया कि इतनी दूर दूर से बच्चे आए, लखनऊ एससीईआरटी पहुंचे, प्रत्यावेदन किया, अब नाम नहीं आ रहा। आज 10 तारीख है, तो गाइस देख लीजिए, अगर आप संघर्ष करेंगे तो जीत निश्चित है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। परीक्षा डेट शीट डाउनलोड करना है या रिजल्ट डाउनलोड करना है स्कूटनी का, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। स्कूटनी रिजल्ट पर भी दोस्तों बहुत से बच्चों का भविष्य निर्भर करेगा। सेकेंड सेमेस्टर में काफी बच्चों की बैग आई थी, प्रत्यावेदन नहीं लिया जाता तो कम से कम स्कूटनी में पास हो गए, तब भी भविष्य सुरक्षित है। जो भी दोस्तों अपडेट आएगी कमेंट बॉक्स में लिंक है, लगातार चेक करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।